ये है रामपुर, एक खेती प्रधान गांव। यहां पर हैं हरे भरे खेत और खुश मिजाज लोग। भाई जिंदगी हो तो ऐसी। यहां के मेहनती किसान बहुत खुश हैं। यहां पर नई यूनियन बैंक जो खुली है, भाई यूनियन बैंक ने जब से गांव में कदम रखा, समझो सब लोगों की जिंदगी ही बदल गई। किसानों को यूनियन बैंक ने ऋण दिया और देखते ही देखते पूरा गांव खुशियों से भर गया। इसी रामपुर में दो भाई रहते हैं, हरि और गणेश। दोनों ने खेती के लिए यूनियन बैंक से कृषि ऋण लिया था। हरि बड़ा है और समझदार भी, हमेशा सही वक्त पर सही काम करता है। ऋण के पैसे कहां और कैसे खर्च करने हैं वो बराबर समझता है, मगर गणेश थोड़ा सा ना समझ है। कैसे हो हरि भैया? एकदम ठीक, सब कुशल मंगल। अपना सुनाओ। बस आराम ही आराम है। अरे ये क्या, बरसात अभी समाप्त नहीं हुई और तुमने सिंचाई शुरू कर दी? ऐसा है गणेश, जब प्यास लगे ना तब कुआ नहीं खोदना चाहिए, हर काम समय से पूरा कर देना चाहिए। जैसे सही समय पर हमें यूनियन बैंक का कृषि लोन मिल गया और उन्हीं पैसों से मैंने खेती का काम भी शुरू कर दिया। सही कह रहे हो हरि भैया, जब से यूनियन बैंक से ऋण लिया जिंदगी आसान हो गई। एक बात जरूर याद रखना गणेश, जो भी यूनियन बैंक से पैसा मिला है उसका सही उपयोग करना, वरना तुम तो जानते ही हो कि देखते देखते पैसा खर्च हो जाता है। और जब भी तुम्हें फसल का पैसा मिले यूनियन बैंक का कर्ज चुकता करते रहना। चुका दूंगा भैया, अभी चलता हूँ, बाजार जा रहा हूँ। गणेश की यही बात हरि को चिंतित करती थी। एक तरफ हरि ऋण की रकम समझदारी से खेती के लिए इस्तेमाल करता था और हर फसल पर बैंक जाकर अपना ऋण चुकता करता था। उसकी यूनियन बैंक के कर्मचारियों के साथ अच्छी जान पहचान हुई थी और यूनियन बैंक भी उसे एक अच्छा और जिम्मेदार ग्राहक समझती थी। मगर गणेश बड़ा लापरवाह था। ऋण की रकम का आधे से ज्यादा हिस्सा वो फिजूल खर्ची में उड़ा देता और जब फसल के पैसे आते तो वो भी खर्च कर देता। अरे बेटा, शर्ट पसंद आई? पिताजी मेरे पास शर्ट है, मुझे जरूरत नहीं है पिताजी। तू और ले ले, तू चिंता मत कर, पैसे है मेरे पास। अरे ताऊ जी, प्रणाम ताऊ जी। खुश रहो बेटा, कैसी चल रही पढ़ाई? बस आपका आशीर्वाद है ताऊ जी। डिप्लोमा के बाद क्या इरादा है? ताऊ जी अपना व्यवसाय शुरू करूंगा, डिप्लोमा मिलते ही अपनी विद्युत उपकरण और उसकी मरम्मत की दुकान खोलूंगा। शाबाश। देखा गणेश, तेरा बेटा कितना सयाना हो गया है, और तू ये फिजूल खर्ची बंद कर, पैसे बचाना शुरू कर। रोहित की दुकान के लिए भी तो पैसे लगेंगे। देख, समझदारी इसी में है कि तू पैसा बचाए और जल्दी से लोन चुकता कर दे। चुका दूंगा। अरे मैं आज बैंक गया था, मैनेजर साहब मुझसे कह रहे थे कि पिछले कुछ महीनों से तुमने ऋण चुकाया ही नहीं है। देख, अगर तूने वक्त पर पैसा दे दिया तो रोहित की दुकान के लिए हमें ऋण मिलने में आसानी हो जाएगी। भर दूंगा हरि भैया। चल रोहित, चलते हैं। नमस्कार। गणेश की इसी आदत की वजह से वो एक दिन मुसीबत में फंस गया। गणेश जी घर पर है? आप कौन? मैं बैंक से आया हूँ। नहीं, वो तो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। ठीक है, फिर उन्हें ये दे देना और कहना बैंक में मैनेजर साहब ने बुलाया है। जी। अच्छा, चलता हूँ, नमस्ते। गणेश ने बैंक का ऋण 2 साल से नहीं चुकाया था। जब भी बैंक के अफसर आते तब वो कहीं छिप जाता
और बैंक के पत्र फाड़कर फेंक देता या जला देता। आखिर यूनियन बैंक ने उसका ऋण NPA घोषित कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि अच्छी फसल नहीं आने के कारण और गणेश की फिजूल खर्च करने की आदत उसे भारी पड़ गई। ऋण के सारे पैसे खर्च हो गए और फसल के भी। अब उसके पास नई फसल लगाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसे और पैसों की जरूरत थी। अब वो यूनियन बैंक में तो नहीं जा सकता था, इसलिए उसने दूसरी बैंकों में आवेदन करना शुरू कर दिया। ऋण NPA होने की वजह से कोई भी बैंक उसे ऋण देने के लिए तैयार नहीं थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। सरकार, कुछ मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? सरकार, कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं, मगर इसके लिए तुम्हें जमीन के कागजात गिरवी रखने होंगे। सरकार, कागज तो बैंक के पास है। जमीन भी नहीं है तो फिर ऐसे कैसे दे दूं पैसे? सरकार, कुछ रहम करो सरकार। हाँ, तो गहने तो होंगे, वो ले आओ और ले जाओ। और सुनो, हर महीने 3% ब्याज लूंगा। सरकार, हम गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? मंजूर हो तो बोलो, अभी ले जाओ। ठीक है सरकार। क्या करता, साहूकार की शर्त उसे माननी पड़ी। घर के गहने गिरवी रखकर साहूकार ने उसे उधार दे दिया, मगर ज्यादा ब्याज पर। साहूकार का ब्याज इतना ज्यादा था कि फसल बेचकर जितने भी पैसे कमाता वो पूरे पैसे ब्याज चुकाने में चले जाते। घर के लिए कुछ पैसे ही नहीं बचते। पिताजी, पिताजी, मैं पास हो गया। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। गणेश के बेटे रोहित को अपने पिताजी की आर्थिक परिस्थिति पता थी। वो अपने गांव के किसी भी बैंक में अपने व्यवसाय के लिए ऋण मांग नहीं सकता था, इसलिए वो शहर आया। उसने शहर के बैंक में ऋण लेने के लिए आवेदन किया। आइए। नमस्ते सर। आइए बैठिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता? सर, मेरा नाम रोहित है, मैं इलेक्ट्रिकल सामान और रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहता हूँ। सर, मैंने लोन के लिए बैंक में अप्लाई भी किया था, मगर बैंक उसे पास नहीं कर रही है। आखिरकार वजह क्या हो सकती है मैनेजर साहब? मैं एक मिनट चेक करके बताता हूँ सर। सिबिल एक ऐसी संस्था है जिसमें उधारकर्ताओं और डिफॉल्टर्स की जानकारी संग्रहित की जाती है। इस संस्था के द्वारा सदस्य बैंक लोन डिफॉल्टर्स की जानकारी प्राप्त कर सकता है। सिबिल की जानकारी के अनुसार आपके पिताजी ने यूनियन बैंक से लोन लिया था? हाँ सर। और अभी तक उसका भुगतान नहीं किया? हमारा बैंक तो क्या, आपको कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता। मगर सर, मेरी जिंदगी का सवाल है सर, मेरी पूरी। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पिताजी, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे गांव में ही नहीं, अब आप शहर में भी बदनाम हो चुके हैं। बैंक से लिया हुआ ऋण आपने चुकाया क्यों नहीं, जवाब दीजिए। आपकी वजह से बैंक मुझे ऋण नहीं दे रही है, अब मेरी डिग्री का क्या फायदा? इतना दिल लगाकर पढ़ने का क्या परिणाम मिला? क्या हो रहा है सब? रोहित बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या कहूं ताऊ जी, आपको तो सब पता है। रोहित ने अपने ताऊ जी को पूरी कहानी बताई। अगर पिताजी ने ये सारे पैसे फिजूल की चीजों में खर्च ना किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। पिताजी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने बर्बाद की? ये सब खर्चा मैंने किसके लिए किया? तुम्हारे लिए, अपने घर के लिए। ये टीवी,
ये मोबाइल, ये स्कूटर, ये नए कपड़े, ये आसमान से नहीं आते हैं। तुम्हारा पेट भरने के लिए मैंने इसके गहने गिरवी रखकर साहूकार से ऋण लिया, मगर उसका ब्याज इतना ज्यादा है कि मैं जितनी मेहनत करूं उतना कम पड़ता है। मैंने आपसे कोई भी चीज नहीं मांगी थी, ये फिजूल खर्च आपने किया है। पहले बैंक के पैसे चुका दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। वाह बेटा, यही सुनना बाकी रह गया था। शांत हो जाओ बेटा। गणेश, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, समस्या का कोई ना कोई हल हम ढूंढ ही लेंगे। समझदारी से काम लेना होगा। हम कल ही बैंक जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंक हमारी मदद करेगा। लेकिन हरी भैया, मैं किस मुंह से जाऊंगा? मैंने बैंक के साथ धोखा किया है। तू पुरानी बातें भूल जा, घबरा मत। वो मैनेजर साहब मुझे बहुत समय से जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम लोगों के लिए कोई ना कोई सही रास्ता जरूर निकाल देंगे। हरी ने यूनियन बैंक के मैनेजर को पूरी बात बताई। उसे भरोसा था कि बैंक मैनेजर उसके भाई की जरूर मदद करेंगे। मैनेजर साहब, गलती तो इससे हो ही गई है, कोई तो हल होगा। देखिए, हल क्यों नहीं है? देखिए, बैंक के नियमानुसार जो भी बकाया लोन है इन्हें पहले चुकाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये नया लोन ले सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि कहीं से कुछ पैसे जोड़कर अगर ये बकाया लोन चुका देते हैं तो इन्हें नया लोन मिल जाएगा, और फिर उस पैसे से ये और पैसा बना सकते हैं खेती करके। देखो, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे आप लोग भी वाकिफ हैं। जितने भी खेती संबंधी चीज़ें हैं, खाद, बीज, ये भी महंगे होते जा रहे हैं, और इसी पैमाने को हिसाब में रखते हुए बैंक भी अपने ऋण की रकम बढ़ाता है ताकि आप किसानों को उसका लाभ मिल सके। देखो, एक बार तुम अपना पहला लोन चुका देते हो तो जो साहूकार से तुमने कर्ज लिया है उससे मुक्त होने के लिए तुम बैंक से नया लोन ले सकते हो, और वो भी कम ब्याज दर पर। साहब, ये पैसे मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, गहने भी गिरवी रखे हैं मैंने। भाई, तुम अपने मित्रों से या रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा करके ये ऋण चुका सकते हो। हरी अपने भाई को पहले ही पैसे दे सकता था, मगर वो चाहता था कि गणेश को ऋण न चुकाने का परिणाम पता चले और उसे ऋण सही समय पर चुकाने का महत्व समझ में आए। उसने गणेश की मदद की, मगर एक वचन लेकर कि भविष्य में वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। साहब, आपने जैसा कहा था, मैंने बैंक का सारा ऋण चुका दिया है, क्या मुझे नया ऋण मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं भाई, अब आप नए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लीजिए फॉर्म उसका, और देखिए, जो साहूकार से आपने कर्ज लिया है उससे मुक्त होने के लिए भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं, और महज छोटे से ब्याज दर पे। हाँ, लेकिन इस बार कोई गलती मत कीजिएगा, और तुम समय पर अगर लोन चुकाते रहोगे तो अगली बार तुम्हें बैंक आवश्यकता अनुसार लोन देगी। समझ रहे हो कि नहीं? समझ गया साहब, एक बार गलती हो गई है, दोबारा गलती नहीं होगी साहब। गणेश को यूनियन बैंक ने दोबारा ऋण दिया, मगर एक वचन लेकर कि वो उसकी गलती वापस नहीं दोहराएगा। गणेश ने भी कसम खाई कि वो समय पर अपने ऋण चुकाते रहेगा। अब आई रोहित की बारी। उसने भी यूनियन बैंक से अपने नए व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त किया और एक गांव में खुद की दुकान खोली। अब दोनों बाप बेटे बैंक से लिए गए ऋण को नियमित रूप से चुकाने लग गए। अरे क्या बात है गणेश जी, काफी प्रसन्न दिख रहे हैं। सब यूनियन बैंक की कृपा है साहब। गणेश जी, अत्यंत प्रशंसनीय है, ये आप और आपका बेटा समय पर अपना लोन चुका रहे हैं, और अगर आगे भी आप ऐसा करते रहेंगे तो खेती से संबंधित अन्य व्यवसाय, जैसे आप कह सकते हैं कुक्कुट पालन, पशुपालन, उसके लिए भी आपको लोन मिलेगा, और इससे जो है आप और भी मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर कभी भी बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है आपका परिवार निसंदेह सुरक्षित रहेगा और सुखी रहेगा।
ये आपने लाख पते की बात बताई साहब, लाख पते की। देखिए दोस्तों, बैंक एक ऐसी संस्था है जो हम लोगों के लिए ही बनी है। बैंक अपने खातेदारों से पैसा जमा करती है और वही पैसे उधारकर्ताओं को ऋण के रूप में प्रदान करती है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि बैंक से लिया गया ऋण हम बैंक को समय पर लौटा दें। तो कैसी रही मेरी कहानी? देखा आप लोगों ने, मेरी एक गलती की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हुई। काश अगर मैंने समय पे यूनियन बैंक का ऋण चुकाया होता तो आज मुझ पर ऐसी आपत्ति नहीं आती। दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही संदेश है, अगर आपने बैंक से ऋण लिया है तो उसे समय पे चुका दीजिए। ऐसा करने से आपको बैंक बढ़ती हुई महंगाई से बचने के लिए अधिक ऋण दे सकेगी। इसी में हम सब गांव वालों की भलाई है। धन्यवाद।